जा रहे थे मौसी के साथ, तो वो स्टेशन चौक पे मिला, तो हमने उसके गाड़ी का चाबी खींचा तो वो हमें मारा, बाल पकड़ के रोड पे ही दुष्कर्म करने का कोशिश किया। ये देखिए निशान, अमित कुमार। जब हम कोतवाली थाना ले गए तो कोतवाली थाना में हमें बैठाया, बोला एसपी साहब आएगा तो आप लोग मिलिएगा। हम लोग बैठले हैं और उधर थाना वाला अमित कुमार को भगा दिया, बोला इसाक चक जाने, तो फरार हो गया। उसके बाद हम लोग जब यहाँ आए तो हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। नहीं आया था। कौन है ये अमित कुमार? ये अमित कुमार मेरी माँ का यार है। आपसे क्या संबंध है जो आप? वो हमें बोल रहा है कि तुम मेरी वाइफ हो। किस आधार पे बोल रहा है? वो झूठा सब कुछ बनाया है, हर कुछ, ऑडियो वीडियो सब में बोला है कि 5,000 के बदला पंडित जी को 15,000 दिए हैं। आगे क्या बनाया है? झूठा क्या बनाया है? सर्टिफिकेट सब बनाया है, मंदिर में नकली साइन मेरा ले लिया है। शादी का? हाँ, शादी का बनाया है। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, पूरा वीडियो वायरल कर रहा है, ऑडियो वायरल कर रहा है। हमें किसका वीडियो वायरल? मेरा वीडियो वायरल कर रहा है। वीडियो कैसे ले लिया वो? वीडियो कैसे बनाया? वो अपने फोन से बनाया है। जब ठीक है संबंध था तो कोई पति अपनी पत्नी का वीडियो वायरल करता है? आप ही इंसाफ कीजिए, वायरल करेगा तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा ना। एक महीना से थाना दौड़ रहे हैं, कोई कुछ कर ही नहीं। अमित कुमार का आपसे भी संबंध था पहले? मेरे से बनाना चाहा था। और जब हम नहीं रह, मम्मी क्या करती थी खाना में, और वो लोग मिला के हमको नशा का गोली दे दिया जाता था। अब बोली, हाँ बोली अबॉर्शन हुआ है, तो हम अगर मेरा अबॉर्शन हुआ है तो हम चेकअप कराने के लिए तैयार हैं कि मेरा अबॉर्शन कहाँ हुआ है। वो किट उट सब में प्रूफ कर रहा है कि इसका अबॉर्शन हुआ है, मेरा कहीं अबॉर्शन नहीं हुआ है। डॉक्टरी झूठा, डॉक्टरी सर्टिफिकेट, हर चीज़ बना के वायरल कर रहा है वो। हमें अब क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम यहीं पे पेट्रोल जला के जान दे देंगे। किसके साथ? यार के साथ रह रही है, अमित कुमार के साथ। मेरी माँ शांति देवी अपने यार के साथ रह रही है, अमित कुमार के साथ। अमित करता क्या है? दलाली करता है। कहाँ कराने वाला है वो? लकड़ा फुंसिया। आप कहाँ के रहने वाले? हम इसाक चक का भाड़े के मकान में रह रहे हैं। आज हम कॉलेज जा रहे थे स्टेशन चौक पे, जब टोटो से तो हम उसको देखे तो हम उसको पकड़े, उसका चाबी ले लिए। अब बोला कि तुम मेरा मोबाइल चुराई हो, मेरे दौड़ने के चक्कर में उसका मोबाइल गिर गया और मेरा जूता टूटा टूट गया। आरोप लगा दिया कि तुम मोबाइल लेके रख लियो, हम उसका मोबाइल नहीं रखे हैं। और वो हमें स्टेशन चौक पे बाल घींच के सुता के रेप करने का कोशिश किया। ये देखिए निशान, अमित कुमार को पकड़ के कौन ले गया था? थाना वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला लेके गया था। वहाँ से थाने के अंदर भी मारपीट हुई है? थाना के अंदर मेरी माँ मौसी को लड़का को मारा बहुत ज़्यादा। हमको इन सब का इंसाफ चाहिए, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम यहीं पे पेट्रोल डाल के अपना जान दे देंगे। राखी कुमारी सर की, जो लड़का उसके साथ शादी किया है वो लड़का के साथ वो जाना नहीं चाह रही है। वो बोल रही है हम लड़का के साथ, उसका नाना नानी का कहना है कि तुमको बढ़िया घर में हम कर देंगे, कोई सर्विस वाला लड़का कर देंगे। लेकिन जो लड़का से किया है वो लड़का बिजनेसमैन है, लड़का का नाम अमित कुमार है, इसलिए वो अमित कुमार जो नहीं ले, उसका नाना नानी नहीं जाने दे रहे हैं, इसलिए अमित कुमार बोल रहा है कि हम उसको लेके जाएंगे। आपकी बेटी ही आप पर आरोप? हाँ, मेरी बेटी ही मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। अमित कुमार के साथ आपका संबंध? हाँ। क्या कहेंगे इस पर? इस पर मेरा कोई संबंध नहीं है, बेटी उससे शादी की है, हम खुशी खुशी चाहते हैं अपना परिवार से, अपना माँ बाप से, उनको खुशी खुशी उसके साथ विदा किया। कोतवाली थाने में मारपीट की नौबत? मारपीट का नौबत इसलिए आया गया कि अमित कुमार होटल से खाना खा के निकल रहे थे और राखी कुमारी उसका बाइक का चाबी ले लिया और लेके उसका मोबाइल छीन लिया। इस बात पे मार का, हम तक घर में नहीं थे, हम अपना जॉब पे थे। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि अमित कुमार को इंसाफ मिले, लड़की उसके हवाले किया जाए। आपकी बेटी आपका भी बात नहीं मानती? नहीं, मेरी बेटी किसी का बात नहीं, सिर्फ उसकी मौसी दिल्ली में धंधा चलाती है, जो उसका शादी लोहागढ़ी में हुआ है। उसका हस्बैंड टीचर है, राजू मंडल नाम है, वो अपना हस्बैंड को छोड़ के लोहागढ़ी में रहती है। लोहागढ़ी में जो रहती है, दिल्ली में जो रहती है, तो वहाँ उसके चार लड़का के साथ है। फिर वो भी सोचता है कि इसका बेटी को ले जाके हम अपना धंधा का इनकम बढ़ावे। मेरा नाम हुआ शांति देवी। बेटी का राखी मामला है सर, इसका लड़की का भाई हमेशा 2-4-10 लड़का लेके आता है और ज़बरदस्ती मेरा पैसा नुकसान करवाता है। जो चीज़ हम इसके नाम से ख़रीदे हैं, ऑनलाइन पेमेंट किए हैं और मतलब गवाह इनकी मम्मी है, हमेशा कल सुबह परसों सुबह भी। लड़की के साथ क्या संबंध? लड़की मेरी लीगली वाइफ है, जो हम कोर्ट में ये कर चुके हैं, मामला दर्ज करवा चुके हैं। शादी लड़की के कहने पे हम घर में किए थे और संपन्न उसको अद्भुत हनुमान मंदिर में किए। अद्भुत हनुमान जी? कोर्ट में भी शादी किए? नहीं, कोर्ट में शादी नहीं किए। लड़की हमको ब्लैकमेल करके, शादी नहीं हुआ, लड़की हमको ब्लैकमेल करके शादी की है, हम जबरदस्ती शादी की है, जिसका ऑन मतलब जो ब्लैकमेल किया है, शादी नहीं किया। लड़की मेरे पास ऑडियो प्रूफ है उसका,
जिसमें वो प्रेशर दिया शादी तो करना ही पड़ेगा। हम उससे जब पूछ रहे हैं ऑन कॉल रिकॉर्ड कि कहाँ हो, तो पुलिस लाइन में है। और पुलिस लाइन में है जब हम आते हैं तो बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो आप नहीं करिएगा तो हमको महिला थाना करवाएगा आपसे शादी। ये सब चीज़ का ऑडियो नकार रही है साफ तौर पर सर, वो अभी नकार रही है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी बड़े आदमी का हाथ नहीं है। दो आदमी इस चीज़ में आगे बढ़ रहा है, एक वो खुद और एक 22-23 साल का उसका लड़का। इसके ऊपर इनका कोई भी गार्जियन इसके पीछे नहीं आ रहा है। यही कारण है कि ये उदंडता कर रहा है। इससे पहले भी हमको किडनैप करके मतलब ज़बरदस्ती हमको माने मारपीट का कोशिश किया है, जिसका एक एक प्रूफ मेरे पास मौजूद है। क्या नाम हुआ? अमित राय।